सीखने जा रहे हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को एक्चुअली काउंट कैसे करते हैं आपको यहाँ पे समझना होगा। किसी भी ट्रायंगल को काउंट करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इन ट्रायंगल्स को काउंट कर सकें, राइट। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और बहुत ही बेसिक ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसे काउंट कैसे करेंगे और कैसे एग्जैक्टली सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल है आपके हिसाब से यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं। एग्जैक्टली साफ दिखाई दे रहे हैं हमें कि यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की क्वांटिटी है वो है कितनी, वन। ओके, अब आप मुझे काउंट करके बता सकते हैं यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल सा है। आप देखिए, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, यहाँ से मुझे मिल रहा है एक ट्रायंगल और यहाँ से मुझे मिल रहा है एक दूसरा ट्रायंगल, राइट। ये और साथ ही साथ हम देख रहे हैं क्या कि यहां पर ये यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा एक मुझे एक तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है। आपको बात यहां तक समझ आई? यहां पर टोटल तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा तीसरा ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये वन है, हमने यहाँ पे वन लिख लिया, ये क्या है, टू है, तो हमने यहाँ पे टू लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, थ्री। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वन प्लस टू हमने किया और यहाँ पे ट्रायंगल्स थ्री आ गए, ठीक है। चलो इसी पे हम इसको भी देखते हैं, यहाँ पे हमें बस कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, वन जो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे, ये यह हमारा टू हो गया और यहाँ पे थ्री हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है और यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है। तीन ट्रायंगल हो गए हमारे पास। अब हम यहां पे देखते हैं क्या एक और बात, ये जो पोर्शन है ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे साफ साफ यहां से यहां इन दोनों के साथ में, और दूसरा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहां से लेके यहां तक एक ट्रायंगल, तो यहां से दो ट्रायंगल और हो गए। तो हम यहां पर समझ कह रहे हैं, मुझे पहले तीन ट्रायंगल दिखाई दिया प्लस टू ट्रायंगल दिखाई दिया, फिर हम लास्ट में देखते हैं कि इन तीनों से मिलके बना हुआ एक ट्रायंगल बनता है। तो हम यहां से देखते हैं क्या यहां पर कितने ट्रायंगल बने, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, तो यहां पर टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, सिक्स ट्रायंगल्स। बहुत ही आसान है आपके लिए। इसके अलावा हम यहां पर भी देखते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। हम जानते हैं क्या, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, एक फॉर्मूला बनाता है, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जानते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या बताता है हमें, एन, एन प्लस वन बाय टू। तो जी हाँ, हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी इसी फॉर्मूले के बेसिस पे करने जा रहे हैं। क्या दे रहे हैं यहाँ पे, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, ओके, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस हम यहाँ पे काउंट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो एन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बन गया वन टू थ्री, थ्री ट्रायंगल्स बन रहे, थ्री, तो यहाँ पे थ्री हो गया, एन इक्वल्स टू थ्री, और यहाँ पे थ्री प्लस वन फोर, तो फोर प्लस थ्री कितना, फोर और थ्री कितना होगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व डिवाइड बाय टू सिक्स। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ इनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसी बेस पे मैं आपको ये दोनों तो मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। पहला मैं इस मेथड को लेके चलता हूँ ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ आए, फिर हम ये वाला मेथड भी यूटिलाइज कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, राइट। ये चार ट्रायंगल्स बन गए। हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा टास्क करना है कि हम इन सभी को जोड़ देते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इनका जो भी सम आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, फोर नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, हम जानते हैं आसानी से, टेन, ठीक है। अब ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे लगाते हैं तो हम देखेंगे क्या, एन, एन क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, या फिर एक वर्टिकल लाइन, आप जो भी समझ ले, तो एन क्या है, यहाँ पे फोर दे रहे हैं, तो फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय
एन प्लस वन मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 4 5 20, 20 एन 2 का हाफ ले लेंगे, 20 हाफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।